दिन, हफ्ते, महीने और साल इस तरह गुज़र रहे हैं कि जैसे आए ही नहीं थे। ऐसे वक्त के मुतालिक प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, क़यामत की निशानियां और अलामात बयान करते हुए आपने फरमाया था, यतकारबुज़्ज़मान, ज़माना करीब हो जाएगा, यानी वक़्त कम नहीं होगा, उसमें बरकत ख़त्म हो जाएगी। ऐसे वक्त गुज़रेगा कि क्या जिस तरह एक दिन गुज़रता है इस तरह हफ्ता गुज़र जाएगा, जिस तरह हफ्ता गुज़रता है इस तरह महीना और इसी तरह साल के साल गुज़र जाएंगे। और आज हकीकत बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं कि हमें एहसास ही नहीं हो रहा कि वक्त बड़ी तेज़ी से बीत रहा है। चाहिए तो ये कि जिस तरह एक अच्छा बिजनेसमैन जो दुनिया में इज़्ज़त, उरूज और अपने कारोबार की तरक्की देखता है, उसकी सबसे बड़ी सिफ़त ये होती है कि अपने गुज़रे वक्त का हिसाब करता है, हर दिन का, हर हफ्ते का, हर महीने या साल के बाद ज़रूर करता है कि मैंने क्या कमाया, क्या नुकसान किया। अगर खुदा न खास्ता नुकसान होता है तो वो उसके तदारक के लिए कोशिश करता है, अगर उसे फ़ायदा मिलता है तो उससे बेहतर की कोशिश करता है। ये और हकीकत बात यह है कि जो इंसान हिसाब का पक्का होता है वो दुनिया में इज़्ज़त भी कमाता है और तरक्की और उरूज भी उसका हिस्सा आती है। जो अपने हिसाब के मामले में गफलत करता है वो हमेशा नुकसान और खसारे में चला जाता है। बेअैन ही इंसान की ज़िंदगी का मामला भी इसी तरह है। हमारे दिन रात गुज़र रहे हैं, हमें एहसास नहीं कि हम हर दिन कितना नुकसान कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कसम उठा के ये बात कहते हैं, वल असर, लोगों ज़माने की कसम है, इन्नल इंसान लफी खुसर, इंसान खसारे की तरफ जा रहा है। तो हमें एहसास होना चाहिए जब भी महीना साल ख़त्म होता है, हमें इस बात का एहसास होने के बजाय कि हमारी ज़िंदगी का एक महीना या एक साल ख़त्म हो गया, एक दिन कम हो गया, हम इसको भी सेलिब्रेट ऐसे अंदाज में करते हैं कि हमें एहसास ये नहीं कि हमसे गलतियां कोई क्या हुई हैं, हम इसे भी एक शुगल में ही गुजार देते हैं और हमें एहसास नहीं कि हम जिंदगी के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बड़े प्यार से ये बात समझाते हैं, या अय्युहल्लज़ीन आमनू, ए लोगों जो ईमान लाए हो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ, वल तंजुर, और सोचो, गौर व फिक्र करो, हिसाब करो अपनी ज़िंदगी का कि कल के लिए क्या भेजा है। आप देखें ये 12वां महीना है, वैसे तो हमारा इस्लामी साल मुहर्रम से शुरू होता है, ज़िलहज्जा पे ख़त्म।